بيسأل بيسأل तेरा बीच में आई है कहीं तो उल्टी होता है भाई ए ए ब्रेन आई आप बीच में आई है ना नहीं संदीप जी सेंटर ओ उसके पीछे ना उसके पीछे इनके इनके पीछे नहीं सर कोई नहीं दिखा कोई नहीं दिखा थोड़ा सा नीचे ले लो यार फोकस किया जा रहा है अब तो बेजर पकड़ा होंगे कभी इस तरह के डांस करने को फोकस करने का मौका मिला आपको आप पूछना क्या चाह रहे हैं सवाल कर रहे हैं ना यार मतलब ये जो डांस कर रहे हैं इस तरह से जो डांस होता है मतलब ज्यादातर काफी दुबई में काफी होते हैं मतलब आपको भी मौका मिला है ऐसे डांस देखने का या ऐसे नहीं डेफिनेटली जैसे आपने बोला कि मैं दुबई और ये सारी कंट्रीज में ट्रैवल किया है बहरीन गया हूँ इजिप्ट गया हूँ एंड डेफिनेटली वहाँ के कल्चर में इस तरह के जो बेली डांसिंग और इनकी जो डांसिंग होते हैं एंड देर ऑल वेरी वेरी एक्साइटिंग वेरी वेरी टिटिलेटिंग और मेरा ये मानना है कि अगर उसे इनकॉर्पोरेट करके हमारे जो म्यूजिक वीडियोस हैं अगर उनमें दिखाया जाए डेफिनेटली क्यों नहीं अच्छा लगेगा और प्राइवेट म्यूजिक वीडियोस की बात करें तो आजकल जो बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं इमरान हाशमी हो गए या सोनाक्षी है सिंगर्स ला रहे हैं ये कितनी पॉजिटिव बात है बात अच्छी है दैट मीन्स कि हर एक एक आर्टिस्ट को मौका मिल रहा है लेकिन आपने जो दो नाम लिए सोनाक्षी एंड ऑफकोर्स इमरान हाशमी का ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड एक्टर्स हैं जिनको लोग जानते हैं तो अब उनके ऊपर अगर आप थोड़ा पैसा लगाते हैं तो उसमें मेरा यह मानना है कि वो कोई बड़ी बात नहीं है ऑनेस्टली हमारे देश में अब भी कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन या कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो एक नॉर्मल इंसान को उठा के एक बड़ा एक्टर बना दे या नॉर्मल इंसान को उठा के एक सिंगर बना दे मतलब यहाँ पे हर इंसान को खुद अपने लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है क्योंकि सर रिस्क फैक्टर भी ज़्यादा हो जाता है अगर नॉर्मल इंसान को लेकर अगर कंपनी बनाएगी तो उसको पॉपुलैरिटी नहीं मिलती डेफिनेटली लेकिन इवेंचुअली आपका जो टैलेंट है अगर टैलेंट होगा तो ही आप नजर आएंगे भले एज एन एक्टर हों या एज अ डांसर हों या फिर एज अ सिंगर इवेंचुअली आपका जो टैलेंट है अगर वो है तो ही आप सर्वाइव करेंगे तो क्या वजह रही होगी या फिर क्या वजह है जिसके वजह से न्यू टैलेंट्स जो हैं वो इंडस्ट्री में आ नहीं पा रहे क्या क्या वजह मानते मेरा ये मानना है कि इंडस्ट्री में जो हमारा एक तरह से ग्रुपिज्म जो बना हुआ है जो लोग इंडस्ट्री में पिछले 30 35 40 45 साल से हैं मैं ये मानता हूँ हर कंपनी ने अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है लोगों ने अपने कुछ एक्टर साथ में रखे हुए हैं और ये कोई गलत बात भी नहीं है क्योंकि अगर आप किसी एक एक्टर के साथ काम करते हुए किसी एक सिंगर के साथ डांसर के साथ काम करते हुए आपको अच्छा लगता है आपकी एक ट्यूनिंग बैठ जाती है तो आप क्यों नहीं करेंगे सो एक सलमान खान का ग्रुप है एक आमिर का ग्रुप है एक शाहरुख का ग्रुप है भट्ट साहब का एक कैंप है सो वी हैव वेरियस ग्रुप्स एंड अगर एक एक्टर से आपका तालमेल बैठ जाता है तो आप उसे बार बार रिपीट करते हैं बट आई फील कि एज एन एक्टर बहुत सारी चीज़ें जब रिपीट होती हैं देन मेरा ये मानना है कि जब मैं एक फिल्म देखता हूँ मैं चाहता हूँ कि फिल्म के अंदर जो रोल है या जो सिंगर है जो ज़रूरत है उस हिसाब से कास्टिंग होनी चाहिए एज ए सिंगर एज ए डांसर एज ए परफॉर्मर अब वो दोस्ती में हो तो वहाँ गड़बड़ हो जाती है एक और बात पूछूंगा आप एक्टर प्रोफेशन से एक्टर हैं आप अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा हो रही है कि अगर कोई फिल्म जॉब पे हिट करता है तो उसके लिए एक्टर भी काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होता है और जो भी उसको रेम्यूनरेशन मिलता है उसको या तो रिटर्न बैक करे आई डोंट थिंक सो कि हमारे देश में इस तरह का कोई लॉ बन पाएगा हमारी जो इंडस्ट्री है हमारी इंडस्ट्री जो है वो स्टार्स पे डिपेंडेंट है यहाँ पे जब भी कोई फिल्म बनती है सब ये पूछते हैं कि सेटअप क्या है और आज भी सेटअप के हिसाब से काम
लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन बता दूं सर, जब लिंगा रजनीकांत की फ्लॉप हुई थी तो उन्होंने 10 करोड़ रुपीज प्रोड्यूसर्स को पे बैक किया था, तो वो सिर्फ एक ही एग्जांपल है। एंड रजनीकांत की अपनी एक पोजीशन है जो कोई भी एक्टर टच नहीं कर सकता। आई थिंक आप रजनीकांत को अगर आप कोट करते हैं तो कोई भी ऐसा एक्टर नहीं है जो उनके लेवल पे है, जो इज्जत दी। थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू वेरी मच ऑल द मीडिया ऑफ जी। कैन आई हैव जिविदा, मिस जिविदा आस्था, कैन आई हैव यू हियर ऑन स्टेज आसपास? इफ यू कैन हियर मी प्लीज कम ओवर एंड जॉइन अस ऑन द, इट इज सीरियसली लवली टू हैव लवली पीपल हियर। बहुत देर से आवर मीडिया फ्रेंड्स वर वेटिंग डाउन हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी, म्यूजिक एल्बम ही हैज प्रोड्यूस्ड, इनका एक विजन था। मिस्टर संदीप, थोड़ा सा आप ही अपने झनकार द सोल ऑफ साउंड के बारे में दो लाइन बताइए, और हम लोग फिर उसके बाद वीडियो भी देखना चाहेंगे इसका। एंड डेफिनेटली आर वंडरफुल परफॉर्मर्स आर वेटिंग डाउन हियर सिंस लॉन्ग, सो देयर विल बी परफॉर्मेंसेस ऑन स्पेशली ऑन दिस झनकार सॉन्ग। राज बोलने के लिए कहा, वो दो लाइनों में ही रुक गए। आई थिंक माइक आपके पास आया, सो आई थिंक यू शुड से कुछ। आई थिंक सारा का सारा क्रेडिट आपको दे दिया है, मुझे ऐसे लग रहा है होस्ट मैं यहाँ पे हो गया हूँ। सो बहुत सारे रिक्शा की याद आती है, पुराने जमाने में झनकार बीट सिर्फ रिक्शा में बजती थी, और ये वापस लेके आया प्रेम। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं आजीवसन हॉल में, वहाँ पे सुरेश वाडकर जी का जो हॉल है वहाँ पे मैं डांस मेरे शूटिंग की प्रैक्टिस करता था। वो दिन थोड़े याद आ रहे मुझे, जब एक लड़का, हम लोग जब हॉल में करते थे कुछ गाने की आवाज़ आती थी, ऐसा कुछ ऐसा कुछ, एक हम लोग कौन पागल भाग गा रहा जब देखा तो सैंडविच, एक लड़का सैंडविच काट रहा था, सैंडविच काटते काटते वो गाना गा रहा था। मैंने उसको बुलाया, फिर हम लोग सब डांसर्स बैठे, फिर उसके गाने सुने उसके, बहुत कमाल टैलेंटेड था। मैंने बोला यार तेरी जगह ये नहीं है, तेरी जगह और किधर है। फिर उसके बाद ये मेरे ऑफिस में आया उसका, फिर इसके मामा जी आए थे, मामा जी थे, बोला कि इसका डांसर का कार्ड बना दे, डांसर बनना चाहता। फिर मैंने इसका डांसर का कार्ड बनाया। आप लोग शायद संदीप से नाम जानते हैं, लेकिन मैं इसको प्रेम के नाम से जानता हूँ। प्रेम वाले होते हैं थोड़े से मेरे जैसे, इसकी जैसे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये इसकी जर्नी है, और मैं आज बहुत खुश हूँ, और मैं बहुत सारी शुभकामनाएँ देता हूँ इसको कि वो शब्द इसने रखे और आज यहाँ मौका आया, मैं इसके इस म्यूजिक लॉन्ग झनकार में आया हूँ, और इसको विशेष देता हूँ ऑल द बेस्ट प्रेम। थैंक यू वेरी मच मास्टर जी आपके आने से। फिल्म्स का दिस इज द डेब्यू प्रोडक्शन, और मिस्टर अमन वर्मा यू आर हियर, बहुत आई थिंक इट्स अ प्लेजर टू हैव यू हियर। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग टाइम फॉर अस। थोड़ा सा आप भी अपनी तरफ से हम लोग को ग्रीट सुनी है मैंने। सो कहने का मतलब यही है कि अगर आप विश्वास रखते हैं अपने सपनों में, और आप अपने सपनों की तरफ चलते हुए मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपके सपने डेफिनेटली आपको मिलेंगे, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ अपने सपनों को फॉलो कीजिए, और आपके सपने डेफिनेटली एक ना एक दिन पूरे होंगे। इन्होंने बात पूरी कह दी, एंड इतना कमाल का मैं डांसर हूँ नहीं, बट फिर भी मुझे यहाँ पे बुलाया गया। आई वुड लाइक टू थैंक अमन जो यहाँ पे खड़े हैं, इनसे भी काफ़ी सालों से दोस्ती है, बट इट्स अ प्लेजर बीइंग हियर, एंड आई होप कि जो प्रेम ने बनाने की कोशिश की है और वो दिखाना चाह रहे हैं, आई एम श्योर कि मुझे आप लोग कम सुनना चाहेंगे, लेकिन ये जो कन्याएं यहाँ पे खड़ी हैं डांस करने के लिए, उन्हें ज़्यादा देखना चाहेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी, एंड लेट्स हैव सम फन। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। मैं चाहता हूँ कि हर कोई राज रखे और शाहरुख इस जो फंक्शन में है, इसके कोरियोग्राफर है राहुल, संजीव और देव को बुलाना चाहता हूँ। सैंडविच बेचता था, तो डेफिनेटली मेरे भी रिहर्सल्स वहीं पे चलते थे, और मैंने उसको मेहनत करते हुए देखा है, और आज मैं सच में खुश हूँ प्रेम कि मैं इस जगह पे तेरे साथ खड़ा हूँ यहाँ पे। और डेफिनेटली और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि मैं एज ए डांसर जब था तब एक्टिंग में जाने का एक कीड़ा था, एक सपना था, और सबसे पहले मुझे ब्रेक देने वाले थे मास्टर, डेफिनेटली बहुत एनकरेज किया सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।
can see the video. It will take only 4-5 minutes. Then we'll continue.